again. It's a rich thing. दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अभी शूट करने का ट्राई कर रहे हैं हम, ठीक है। काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे, इसके कारण मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं रहा था, यूट्यूब के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं था। बट अभी टाइम मिल रहा है चीज़ें जो है मेरे लिए, काफ़ी चीज़ें जो है इश्यूज चल रहे थे वो मेरे लिए अभी नॉर्मल हो रहे, तो ट्राई करेंगे आप वापस से एक्टिव हो जाए यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। सो आपको टाइटल और थंबनेल लिख के पता चल गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ज़ीरोधा मोस्टली काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सो मोस्टली काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि इसके ऊपर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उनके कुछ ऑलरेडी डिफाइंड शॉर्टकट्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट यूज वही शॉर्टकट जो है वो डिस्कस करेंगे। 6-7 कुछ है, ठीक है, जो कि यूजफुल है, काफ़ी अच्छे है, सो वही डिस्कस करेंगे। बाकी और भी शॉर्टकट्स है, जैसे डैशबोर्ड जाना है आपको, एडिट प्रोफाइल करना है, व्यू प्रोफाइल करना है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा यूजफुल है या फिर कोई यूज़ करेगा। सो वैसे जो शॉर्टकट्स है उसका इमेज भी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, जिसको जो कि इस वीडियो के अंदर मे भी कवर ना हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कुछ शॉर्टकट जो काफ़ी यूजफुल है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो चालू करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो शॉर्टकट है दोस्तों, आपको अगर आप चार्ट के ऊपर हो और आपको अगर कहीं सर्च करना है, नया सिंबल ऐड करना है आपके वॉच लिस्ट में, ठीक है, आप कोई मोमेंटम में स्टॉक देख रहे हो, ट्रेडिंग करते रहे और आपको ऐड करना है, तो जनरली आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे माउस आपको स्क्रोल करना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, तब जाके आप अगर कुछ टाइप करोगे तो सो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है और टाइप करना पड़ता है, ठीक है, तभी सिंबल जो है वो ऐड होता है, ठीक है। मारुति मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, सो शॉर्टकट मतलब आप यहाँ पे हो और आपको डायरेक्टली सर्च में क्लिक करना है, ठीक है। सो आपको इसके लिए ये शॉर्टकट यूज करना है, ये एक्चुअली इस की का नाम क्या है मुझे पता नहीं है, तो स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप क्लिक करते हो तो देखिए ऑटोमेटिकली वो सर्च बॉक्स के अंदर आ जाते हो, ठीक है, फिर आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकते हो। मैं वापस से बताता हूँ, अगर आप कहीं बाहर हो, ठीक है, इस विंडो के, सो ये की आपको प्रेस करना है और आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला शॉर्टकट हो गया, ये भी काफी यूजफुल है। सो काफी बार आप अगर बाहर रहते हो तो आपको हर बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और टाइप करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड शॉर्टकट दोस्तों, अभी अगर आप देखोगे तो मेरा टिकर जो है वो एक्सिस बैंक के ऊपर सेलेक्टेड है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो, और मैं इसको अप और डाउन एरो यूज करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो क्या सभी को पता रहता है, एरो के साथ आप यूज कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है, ये सभी को पता रहता है। बट ये यूजफुल क्यों है, अगर आपको मान लो कि आप SBI देख रहे हो यहाँ पे और आपको मारुति के ऊपर चार्ट अच्छा दिख रहा है और बाय करना है, ठीक है। सो इसी के साथ लिंक शॉर्टकट क्या है, आपको बाय और सेल अगर करना है तो, जो कि मोस्टली यूज करते हैं हम, ठीक है। सो आपको बी क्लिक करना है, बी क्लिक करोगे तो आपका जो है बाय ऑर्डर विंडो जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको अगर मान लो मुझे एक्सिस बैंक सर्च करना है, एक्सिस बैंक के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अप एरो से मुझे उधर जाना है और सेल अगर करना है इंट्राडे में तो मैं यस क्लिक करूंगा, ठीक है, यस से सेल होगा, क्वांटिटी वगैरह आपको जो चाहिए आप कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल है, अप डाउन एरो से आप यहाँ पे ऊपर नीचे जा सकते हो, और बी और एस से मतलब बाय और सेल आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये दो शॉर्टकट्स काफ़ी यूजफुल है, बाय और सेल मोस्टली करते हैं, तो आपको हर बार ऐसे जाके यहाँ पे बाय करना पड़ता है, ठीक है, सेल करना पड़ता है। एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, सेल पे जब क्लिक करने आओगे तो यहाँ पे सेल के बाजू में जो है ब्रैकेट के अंदर एस लिखा है, दैट मीन्स ये शॉर्टकट है। बाय के नियर आपको दिखेगा कि यहाँ पे बी है। तो अभी और एक चीज़, यहाँ पे अगर आपको, काफ़ी लोगों को मार्केट डेप देखना काफ़ी पसंद रहता है, ठीक है, सो अगर मुझे एक्सिस बैंक का मार्केट डेप देखना है तो मैं यहाँ पे डी क्लिक करूँगा, ठीक है, डी क्लिक करते हो तो आप मार्केट डेप दिखता है। अगर आपको इसका नहीं देखना है तो नीचे आओ, वापस डी क्लिक करो, मारुति का देखना है तो मारुति के ऊपर आओ। अप डाउन एरो से आप ऊपर नीचे जा सकते हो,
बी और इससे बाय और सेल कर सकते हो, अगर डी टाइप करते हो तो आप मार्केट डेप्थ जो है वो देख सकते हो, ठीक है। सो एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा मार्केट डेप्थ के बाजू में डी लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर आपको पोजिशन अगर देखना है, आप अभी आपका जो है चार्ट का विंडो ओपन है, अगर आपको पोजिशन देखना है यहाँ से तो आप डायरेक्टली पी क्लिक कर सकते हो। पी क्लिक करते हो तो यहाँ पे पोजिशन पे आओगे, वो अगर क्लिक करते हो तो ऑर्डर बुक एंड सो ऑन, मतलब होल्डिंग्स, डैशबोर्ड, फंड्स, उसके लिए भी वही शॉर्टकट से ए, होल्डिंग के लिए एच और फंड्स के लिए एफ, ठीक है, वो आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। पोजिशन और ऑर्डर बुक जो है मोस्टली देखते हैं लोग, काफी इंट्राडे जो करते हैं मोस्टली तो वो वही देखते हैं चीजें, और FI जो है वो तो रिफ्रेश सभी को पता है। और अभी एक लास्ट शॉर्टकट देखेंगे दोस्तों, वो भी काफी यूजफुल लगता है मुझे। जब भी आपको चार्ट पे जाना रहता है तो चार्ट पे अगर जाना है तो आपको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, चार्ट पे आते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, बट अगर आप यहाँ पे अप डाउन एरो से जो भी आपको देखना है इसके ऊपर अगर आके आप सी क्लिक करते हो तो डायरेक्टली चार्ट जो है वो ओपन हो जाता है। और अगर आपको मारुति का चार्ट देखना है तो सिमिलरली अप एंड डाउन एरो से आपको नीचे ऊपर आना है, ठीक है, जो भी चार्ट चाहिए आप सी पे क्लिक करते हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली निफ्टी का अगर देखना है तो आप वही क्लिक करो, ठीक है, बैंक निफ्टी देखना है तो वैसे। सो यस दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, और भी काफी सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है जो कि मैं तो ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मोस्टली मेरा यूज यही रहता ही है जो मैंने आज अब आपको पता है। अगर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर जो है वो इमेज डाल दूंगा, ठीक है, शॉर्टकट्स की और वो कीज की, तो आप वहां पे आके देख सकते हो, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर क्लिक करोगे तो इधर भी काफी सारे आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली हमने जो डिस्कस किए इसमें से वही है वो, अगर आप खुद एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। सो यस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, काफी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।